तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ्स बुक. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलीनोमियल. पॉलीनोमियल से मैं शुरू कर रहा हूँ. सो पॉलीनोमियल में क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज पॉलीनोमियल. उससे पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या रहता है, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स रहता है. एंड फैक्टर्स आर दोस टर्म दैट दोस आर मल्टीप्लाइड इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल दे रहा हूं, एक सपोज 2xy, दिस इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, एंड 2 इज कोफिशियंट ऑफ x एंड y. सो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, ओनली वन टर्म इज देयर. सो ओनली वन टर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीनोमियल विथ वन टर्म. पॉलीनोमियल विथ वन टर्म. तो पॉलीनोमियल द पॉलीनोमियल विथ वन टर्म इज ऑल्सो नोन एज मोनोमियल. सो पॉलीनोमियल बेसिकली क्या है, पॉलीनोमियल है कि द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन that having one or more than one terms, that is also called, that is called polynomial. So what is polynomial? Polynomial is the algebraic expression that having one or more terms. This is called polynomial. So अभी क्या है, polynomial में एक one term भी रह सकता है, दो terms भी रह सकता है, दो से ज्यादा terms भी रह सकता है. So जो polynomial में only one term is there, if in polynomial there is only one term, that is called monomial. What is that? That is called monomials. Like 2x minus 3x square, 5xyz, these are monomials. And the polynomial having two terms, that is called binomials. A polynomial having two terms, monomials having one term. Monomials having one, how many terms? One term. And polynomial having two terms, that is called binomial. Terms is equal to 2. Like for example x plus y, because terms are different, the terms can be differentiated by either plus sign or minus sign. So matlab do terms, agar matlab terms kaise hum log question hai, agar do expression, do factors ke beech mein, do expression ke beech mein agar plus otherwise minus sign rehte hain, to usko alag alag terms hisab se hum log le sakte hain. So like there is a plus sign between x and y, that is why there is two terms, that is why it is called binomial. And the polynomial having three terms is equal to 3, that is called trinomial. And the polynomial having more than three terms, that is called polynomial. So अभी हम लोग टर्म्स के हिसाब से पॉलीनोमियल का जो जितना भी टाइप्स होता है हम लोग देख चुके हैं कि मोनोमियल्स होता है अगर टर्म्स वन रहता है, बाइनोमियल्स होता है अगर टर्म्स दो रहता है, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं उसको जिसका टर्म्स कितना रहता है, तीन रहता है. सो अभी हम लोग देखेंगे कि ये डिग्री के हिसाब से कितना टाइप का होता है पॉलीनोमियल. डिग्री, व्हाट इज डिग्री? द मैक्सिमम पावर इन द वेरिएबल प्रेजेंट इन द इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, सो लाइक सपोज दिस इज वन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन इज x. द मैक्सिमम पावर, सी यहाँ पे दो है पावर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है मतलब पावर कितना है, x टू द पावर 0 वी कैन राइट. ओके, बट अगर देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2. दैट इज व्हाई द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल इज हाउ मच, 2. तो
हम लोग अभी देखेंगे डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितना टाइप का होता है। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, अगर डिग्री, इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1, डिग्री इज इक्वल टू 1, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ओके, इफ डिग्री इज इक्वल टू 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। If degree is equal to degree is equal to 3, that is called cubic polynomial. Cubic polynomial. So let's have some example of linear polynomial. Like suppose x plus y plus z, it's having 3 terms here, but the maximum power in the variable is 1. Like x के ऊपर भी 1 है, y के ऊपर भी कुछ नहीं मतलब 1 है, z के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, that is why this will be called linear polynomial. तो quadratic polynomial like 2x, this is also linear polynomial with one term and one variable. Okay? तो quadratic polynomial का example अगर हम लोग देते हैं, example of quadratic polynomial, each the degree should be how much? 2. So like any polynomial having degree equal to 2, that is called quadratic polynomial, like x square plus 1 or x square, like a single x square could be a quadratic polynomial. Okay, cubic polynomial, the degree should be 3 in the cubic polynomial. That means jo bhi variable rahenge yahan pe to uska maximum power kitna rehna padega, 3, and I'll accept 3, there could be a power of 2, 1, and so on. So like example of cubic polynomial is it could be x cube, 3x cube plus x plus 1, this could be cubic polynomial. So हम लोग अभी तक कितना हम लोगों को वेक्टर फंक्शन मिला, so polynomial क्या होता है हम लोग समझ गए already. What is polynomial? Polynomial क्या है? Polynomial basically एक algebraic expression है जहाँ पे क्या रहता है, one or more than one terms रहता है, और that terms could have been degree of 1, a degree of 2, degree of 3, degree of more than 3. Okay, and those terms also having more than one variable, like it could be have one variable, two variable, three variable, etc. So and polynomial का type कितना होता है? Polynomial का type होता है six type का basically, and in terms of terms there are three types, like monomials that having one terms, that binomials that having two terms, trinomial that having three terms in the expression. And power degree के हिसाब से कितना होता है? कि three type का होता है. One is linear that having a degree of 1, another is quadratic polynomial that having degree of 2, and third one is cubic polynomial that having degree of 3. Okay, so अभी हम लोग पढ़ेंगे मतलब पॉलिनोमियल का और दो तीन एक्स्ट्रा कुछ कैटेगराइजेशन है. लाइक पॉलिनोमियल कंसिस्ट ओनली कांस्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. लाइक सपोज वन पॉलिनोमियल इज लाइक 24 माइनस 24, इट कुड बी अ पॉलिनोमियल बट इट इज अ कांस्टेंट नंबर, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जो पॉलिनोमियल में ओनली कांस्टेंट नंबर रहता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एंड जीरो इज कांस्टेंट एज वेल एज जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल. जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल. मतलब तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वैल्यू, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो है उसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल. ओके, एंड एक बात है यहाँ पे नोटिस करने वाला, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ जो एक वेरिएबल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो अगर सपोज मैं 24 के साथ एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया x, तो इसका पावर कितना होगा? 0, because x to the power 0 to 1. So यहाँ से पता चलता है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उन लोगों का डिग्री कितना होता है? 0.
कितना होता है जीरो. हम लोग ये समझ चुके हैं कि व्हाट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलीनोमियल एंड व्हाट इज कॉल्ड जीरो पॉलीनोमियल. सो अभी कुछ क्राइटेरिया है कि जिसके वजह से कुछ कुछ एक्सप्रेशन जो है कुछ कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलीनोमियल नहीं होता है. सो व्हाट आर दोस क्राइटेरिया, व्हाट आर दोस कंडीशन. सो लाइक सपोज x प्लस वन बाई एक्स ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. बट यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वन के नीचे मतलब डिवाइडेड है. सो इसको हम लोग अगर लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स इनवर्स वन. सी यहाँ पे क्या है, जो डिग्री है, जो डिग्री है दैट इज डिग्री जो है ये वन भी है. और एक पावर ऐसा है, एक दिस इज पावर ऑफ एनदर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. मतलब यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव हो रहा है. अगर पावर उस दो कंडीशन है यहाँ पे. सो कंडीशन नंबर वन अगर पावर नेगेटिव रहा, पावर इज नेगेटिव, देन वो पॉलीनोमियल नहीं होगा. ठीक है. दूसरा कंडीशन है कि पावर क्या रहा, पावर अगर फ्रैक्शन में रहा, फ्रैक्शन या डेसिमल वो भी क्या नहीं होगा, पॉलीनोमियल नहीं होगा. मतलब कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर है वो अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन या डेसिमल में रहा तो वो क्या नहीं होगा, एक पॉलीनोमियल उसको नहीं कहलाएगा. सो लाइक फ्रैक्शन वाला जैसे कि है एक्स प्लस रूट ओवर वाई, एक्स प्लस रूट ओवर वाई, तो हम लोग ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग लिख सकेंगे कि कैसे, एक्स प्लस वाई टू द पावर हाफ. सी हियर हाफ इज ए फ्रैक्शन, ये इसको क्या नहीं कहलाएगा, इसको पॉलीनोमियल नहीं बोल सकते हम लोग. सो दिस आर द कंडीशन जो एक एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल होने से रोकते हैं. सो अभी कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. लाइक यहाँ पे एक ये तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल इज जीरो. डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल और या इवन ऑल्सो, बट जीरो के साथ कोई भी मतलब कोई भी डिग्री वाला वेरिएबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि जीरो एक्स टू इंटू जीरो इंटू एक्स टू पावर 100. दैट मीन्स यहाँ पे अगर लॉजिकली हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री कितना कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 200, 1000 हो सकता है. बट नॉन जीरो जो टर्म होता है, जैसे कि 24, आई हैव गिवन एन एग्जांपल 24, इसके साथ कुछ भी अगर हम लोग वेरिएबल कंसीडर करेंगे तो उसका पावर कितना होगा, जीरो होगा. तो डिग्री कितना होता है, नॉन जीरो जितना भी पॉलीनोमियल है, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है, उसका पावर कितना होता है, उसका डिग्री कितना होता है, जीरो. अभी कोई भी पॉलीनोमियल को हम लोग देख के बता पाएंगे कि ये कौन सा टाइप का पॉलीनोमियल है. सो इफ यू नोटिस द एग्जांपल 1 पेज नंबर 52 ऑफ योर एनसीईआरटी मैथ्स बुक ऑफ क्लास 9 पेज नंबर 52 एग्जांपल 1 में क्या है, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ ईच पॉलीनोमियल गिवन बिलो. पॉलीनोमियल दिया हुआ है, इसका डिग्री फाइंड आउट करने को बोला है. लाइक पहला एग्जांपल जो है x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस solution of each example. So I am directly shifting to the exercise 2.1. So what is the first question in the exercise 2.1? In exercise 2.1, what is the first question? Which of the following expression are polynomials and in one variable and which are not? Step reason for your answer. तो हम लोग को ये ढूंढना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कौन सा एक्सप्रेशन जो है जो एक वन वेरिएबल का पॉलीनोमियल है
दोनों पॉलीनोमियल है कि नहीं ये पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो पॉलीनोमियल है भी तो कितना वेरिएबल का पॉलीनोमियल है. तो पहला जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1, तो पहला जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन का जो पहला न्यूमेरिकल है क्या है 4x² - 3x + 7. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल है बिकॉज एक्स इज ऑल्सो हियर, एक्स इज हियर एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है. तो कितना वेरिएबल का है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज हाउ मच, वन वेरिएबल दैट इज एक्स. तो इट विल बी अ पॉलीनोमियल बिकॉज पावर कितना है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कुछ भी, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, इसलिए पावर कितना है, 0 है. तो पावर नॉन नेगेटिव जो पॉजिटिव पावर है यहाँ पे एंड फ्रैक्शन लेस पावर है, डेसिमल लेस पावर है. हम लोग का पावर जो है वो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नंबर में आ रहा है. तो दैट इज व्हाई ये क्या होगा, एक पॉलीनोमियल होगा वो भी वन वेरिएबल का बिकॉज वन वेरिएबल ओनली प्रेजेंट है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये पॉलीनोमियल होगा. सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2. या फिर अगर देखेंगे तो या फिर रूट ओवर जो है वो कांस्टेंट टर्म के ऊपर है तो वो मैटर नहीं करता है, दैट इज नॉट ए फैक्ट टू डिसाइड वेदर इट विल बी पॉलीनोमियल और नॉट. बट यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 2 है. सो यहाँ पे वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल है दैट इज वाई एंड इट विल बी ए पॉलीनोमियल. इट इज ए पॉलीनोमियल ऑफ √t + √2. यार कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है रूट ओवर जो है वो कांस्टेंट टर्म के ऊपर है. बट प्रॉब्लम इस यहाँ पे क्या है, टी के ऊपर रूट ओवर है, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी का 3 × 1/2 + t 1/2. सो टी रूट ओवर 2. सो नोटिस यहाँ पे नोटिस करेंगे तो क्या है, टी के ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शन है, पावर इज इन फ्रैक्शन. y plus 2 into y to the power minus 1. So यहाँ पे if you notice यहाँ पे क्या है, power कितना है, minus 1 है, power is in negative. So ये क्या नहीं होगा, एक polynomial नहीं होगा, this won't be a polynomial. And question number 5 क्या है, question number 5 यहाँ पे power x to the power 10. question number 5 ये भी एक polynomial होगा क्योंकि यहाँ पे power कितना है, एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, x to the power 10 + y to the power y cube + t to the power 50. यहाँ पे सब पावर कितना है, सब पावर पॉजिटिव नंबर में है. एंड बट यहाँ पे एक बात है कि ये दिस इज नॉट ए पॉलीनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, दिस इज पॉलीनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल बिकॉज x इज x, y एंड t आर द वेरिएबल प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन. सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. व्हाट इज कोफिशिएंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू नो दैट, लाइक एनी सपोज दिस वन काइंड वन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज वन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द वेरिएबल प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन इज एक्स, एंड व्हाट इज एन हियर, एन इज द पावर ऑफ एक्स, एन इज द व्हाट, एन इज द power of x and x is the base of n, x is the base of n as well as a variable, as well as a variable, and a is the coefficient of x to the power n, is what is coefficient, coefficient of x to the power n, matlab jo variable rehta hai koi bhi expression mein, jo variable rehta hai, variable ke pehle jo jitna bhi term rehta hai
that is called coefficient of that variable. Okay, so yahan pe agar question number 2 mein notice karenge to pehla part aata hai kya 2 plus x square plus x. यहाँ पे आपको फाइंड आउट द वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले हम लोग को एक्स स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा. व्हाट इज द एक्स स्क्वायर प्रेजेंट. एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसका पहले कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है लेकिन कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1 प्रेजेंट है. दैट इज व्हाई कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1. सो सिमिलरली 2 में क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में क्या होगा, 2 माइनस सेकेंड यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे पहले क्या है माइनस है, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाउ मच एक्स. तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका पहले कितना है पाई बाय 2, तो सो कोफिशिएंट विल बी पाई बाय 2. एंड जो फोर्थ नंबर है वहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्या है रूट ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको वो वी कैन राइट दिस लाइक 0 टू एक्स स्क्वायर हम लोग ऐड कर सकते हैं बिकॉज एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर सकते हैं इसको. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा इन दिस इक्वेशन दैट विल बी हाउ मच 0. ओके सो नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर को स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वी हैव टू सिंपलीफाई दैट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो आज के लिए इतना ही. मैं यहाँ पे मतलब आई वांट टू स्टॉप हियर. सो नेक्स्ट क्लास से मैं आगे का जो क्वेश्चन बाकी रहेगा वो मैं सॉल्व करवाऊंगा. तो आज मैं यहाँ पे भी मैं करवाना चाहूंगा नेक्स्ट क्लास से जितना भी क्वेश्चन बाकी रह गया ये 2.1 एक्सरसाइज का वो सॉल्व करूंगा पहले, उसके बाद नेक्स्ट विल गो बाय वन. एंड आई होप यू गाइस लाइक इट, आई होप यू गाइस विल बी कनेक्टेड टू मी एंड आवर सेंड.